So the next topic is finite automata to regular expression. तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है तो इसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे. तो फाइनाइट ऑटोमेटा में आपका डी एफ ए, एन एफ ए, एप्सिलॉन एफ ए कुछ भी हो सकता है. तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है. इसके दो तरीके हैं, पहला आपका आर्डेंस थ्योरम, सेकेंड वन इज स्टेट एलिमिनेशन मेथड. तो पहले आर्डेंस थ्योरम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके, उसके बाद क्या होगा स्टेट एलिमिनेशन मेथड से फिर फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन देखेंगे फर्दर वीडियोस में. तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्डेंस थ्योरम क्या है, एक्चुअली कैसे ये आर्डेंस थ्योरम का यूज़ करके किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं. तो यहाँ लिखा हुआ है, इसकी डिटेल्स आपको लिखी हुई है इधर. इफ़ कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू आर टू रेगुलर एक्सप्रेशन. पी एंड क्यू क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है ओवर सिग्मा, सिग्मा विच इज इक्वल टू ए कॉमा बी जीरो कॉमा वन, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड इफ़ कैपिटल पी डज नॉट कंटेन नल, यानी पी नल नहीं होगा, यानी पी कभी भी नल को कंटेन नहीं करेगा. कैसे, क्या चीज़ें हैं वो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. देन द फॉलोइंग इक्वेशन इन कैपिटल आर गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी. अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है जहाँ ऑलरेडी पहले मेंशन है क्या पी एंड क्यू, यानी क्यू और पी के आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है. ओके और पी कभी भी नल नहीं हो सकता है. इसका मतलब पी को आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, क्यू और पी क्या है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन और पी नल को कंटेन नहीं कर रहा हैज़ यूनिक सॉल्यूशन विच इज आर इक्वल टू क्यू पी स्टार. ओके अगर कोई भी एक इक्वेशन लिखी हुई है आर विच इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, तो इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या आएगा आर इक्वल टू क्यू पी स्टार. तो ये है आपका आर्डेंस थ्योरम. तो ये इस इक्वेशन से ये रिजल्ट कैसे आ रहा है पहले इसको देखते हैं, फिर एक एग्जांपल लेके उसको एक्सप्लेन करते हैं, और ओवरऑल इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं. तो इक्वेशन है आर विच इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, तो यहाँ भी आर है, तो ये और ये आर कॉमन है, तो इसी की वैल्यू इसी में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या मतलब इस बात का, क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या है क्यू प्लस आर पी, इधर लिखिए क्यू प्लस आर पी, इस आर की जगह यहाँ ये सब्स्टिट्यूट कर दिए फॉलोड बाय पी. ओके विच इज इक्वल्स टू क्यू प्लस, इसको इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देंगे, क्या आ जाएगा क्यू पी प्लस आर पी कॉन्कैटिनेशन विथ पी. ओके विच इज इक्वल्स टू क्यू प्लस क्यू पी प्लस आर पी कॉन्कैटिनेशन विथ पी को हम पी स्क्वायर लिख रहे हैं. पी स्क्वायर का एक्चुअली पी स्क्वायर नहीं था, पी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पी कॉन्कैटिनेशन विथ पी, दैट मीन पी पी है, इसको हम रिप्रेजेंट करें पी स्क्वायर, अदरवाइज काफ़ी लंबा हो जाएगा. नेक्स्ट फिर से हमको ये आर मिल रहा है, इस आर की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, विच इज इक्वल्स टू क्यू प्लस क्यू पी प्लस, अब इसकी आर की जगह इसको सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो क्या आएगा क्यू प्लस आर पी फॉलोड बाई पी स्क्वायर. ओके विच इज, अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा क्यू प्लस क्यू पी प्लस, क्यू को पी स्क्वायर के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे तो क्या आएगा क्यू पी स्क्वायर प्लस आर पी क्यू. ऐसे इसको सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो एट द एंड रिजल्ट क्या आएगा क्यू, हाँ क्यू अगर कॉमन कर ले, देखो यहाँ भी क्यू आ रहा है, यहाँ भी क्यू आ रहा है, इधर भी क्यू आ रहा है, इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्दर क्यू आएगा. तो क्यू को अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा पी टू द पावर ज़ीरो, क्योंकि क्यू के साथ क्या एसोसिएटेड है नल, तो क्या है आपका पी टू द पावर ज़ीरो प्लस पी प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब सो वन, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. ओके तो इधर क्या हो जाएगा p टू द पावर ज़ीरो, दैट मीन्स नल p पी पी ट्रिपल p एंड सो ऑन. तो इसका क्या मतलब हुआ क्यू पी एस्ट्रिक, क्या गया रिजल्ट r इज इक्वल्स टू क्यू पी एस्ट्रिक. अब इस इक्वेशन यानी कहीं भी इसका यूज़ करेंगे कैसे, कोई भी एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन होगी उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे यूजिंग
हार्डन थ्योरम। तो अब एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। ओके सो अब ये एग्जांपल है, ये आपका एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे यूजिंग हार्डन थ्योरम। तो अब क्या करेंगे, हर एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसे सपोज दैट अगर हमें बी का इक्वेशन लिखना है तो बी के इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे। अब इस पर देखेंगे कौन कौन सी एजेस जो इनकमिंग एज है। तो ये आपका इनकमिंग एज है और ये इनकमिंग एज है। तो इसका मतलब इस स्टेट पे अगर ए रीड करके, यानी स्टेट ए पे हैं, अगर ए रीड करके कैपिटल ए से ए रीड करके कहाँ से पहुँचेंगे, कैपिटल ए से ए रीड किया तो अब स्टेट बी पे पहुँच रहे हैं। तो ये इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे। बाकी क्या आ रहा है, प्लस स्टेट बी पे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट क्या है, ए एंड बी। तो ये ट्रांजिशन है, तो बी कॉन्कैटिनेशन विथ ए एंड बी कॉन्कैटिनेशन विथ बी। ओके तो ये हमारी इक्वेशन है कैपिटल बी के करस्पॉन्डिंग। दूसरी इक्वेशन ए के हम इधर लिखते हैं, तो ए पे क्या आ रहा है, ए पे हम बिना कुछ रीड किए भी पहुंच सकते हैं। यानी अगर कैपिटल ए पे हैं तो क्या बिना कुछ रीड किए, यानी नल रीड करके भी हम कैपिटल ए पे रहेंगे। तो सिंपल वे में अगर देखें, जो भी आपकी इनिशियल स्टेट होगी उसके करस्पॉन्डिंग नल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस पे कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई अदर ट्रांजिशन नहीं है। ये क्या आपका, ये डिनोट करता है कि ये आपका इनिशियल स्टेट है, यानी इस स्टेट पर बिना कुछ रीड, कोई भी इनपुट सिंबल रीड किए भी हम यहाँ पर हैं, तो वो क्या होता है आपका नल। इसके अलावा कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, तो ये क्या आएगा, ए इक्वल टू सिर्फ नल आएगा। ओके तो अब क्या है, और जो भी हम रिजल्ट लेंगे इसमें जो भी एक्सप्रेशन आएगा रेगुलर एक्सप्रेशन, वो बी में जो भी वैल्यू आएगी वही इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। क्यों, क्योंकि बी क्या आपका फाइनल स्टेट है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो भी आएगा वो उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग वो एक्सप्रेशन आएगा जो आपका फाइनल स्टेट होगा। तो यहाँ हमारी स्टेट फाइनल स्टेट क्या है, कैपिटल बी। तो कैपिटल बी यहाँ है, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ एक कैपिटल ए है, तो इस कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, नल। तो यहाँ अगर नल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, नल डॉट ए प्लस बी, इन दोनों में कॉमन है तो बी एंड ए प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी जो भी स्टेट हो, इसमें सिर्फ दो ही स्टेट हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। अभी फर्दर और भी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू पहले इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ इस इक्वेशन का यूज़ करके कैसे ये रिजल्ट आ रहा है, तो ये कैसे हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन आ रहा है, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ए विच इज़ इक्वल्स टू नल। अब क्या करेंगे, बी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्योंकि बी हमारा क्या है, फाइनल स्टेट। तो इसमें जो भी स्टेट्स होंगी, तो जैसे यहाँ कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए की वैल्यू अगर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो उसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे, ए की वैल्यू क्या है, नल, तो नल डॉट ए लिख दिया, विच इज़ इक्वल्स टू, अगर नल और ए को कॉन्कैटिनेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, ये आ रहा है। ये क्या है, बी इज इक्वल्स टू। तो अगर हम इस इक्वेशन से इसको रिलेट करें तो ये क्या है, आर विच इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी। यहाँ आर क्या है, कैपिटल बी, क्यू क्या है, स्मॉल ए, आर कैपिटल बी और पी क्या है, ए प्लस बी, और पी कभी भी नल नहीं होगा। जब भी हम इस चीज़ को रिलेट करेंगे तो पी की वैल्यू अगर नल आए तो इसका मतलब वो पी नहीं है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन है वो गलत है। तो ये, तो क्या इसके बिहाफ पे हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं, बी विच इज इक्वल्स टू, यानी आर क्या है, क्यू पी स्टार, तो क्यू क्या आपका स्मॉल ए, स्मॉल ए, और पी क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्टार, ये इसका रिजल्ट है। देखो इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग इसको अगर रिलेट करेंगे तो आर क्या है, कैपिटल बी, और यहाँ जो स्टेट होगी वही स्टेट यहाँ भी होगी, यानी ये और ये वैल्यू दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ डिफरेंट होता तो यहाँ ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए इसको हम जब कंपेयर करेंगे या इस इक्वेशन को चेक करेंगे तो हम बहुत ही केयरफुल रहेंगे कि क्या हम जो इक्वेशन देख रहे हैं दोनों की वैल्यू, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टेट नेम है, यहाँ कैपिटल बी है तो यहाँ भी कैपिटल बी होना चाहिए। अगर यहाँ कैपिटल बी है, कैपिटल ए है, तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आर और आर सेम है। और इधर क्या है आपका, क्यू विच इज इक्वल्स टू स्मॉल ए फॉर दिस डायग्राम, और पी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। तो अगर पी की वैल्यू कहीं नल आ रहे इस तरीके से, तो यानी ये इक्वेशन फिर भी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि पी, जैसा कि इनिशियली हम लोगों ने अभी जब इसका डेरिवेशन या क्या कहना है, डेफिनेशन जब देखे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग पी जो है नल नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू कुछ, एटलीस्ट नल के अलावा कुछ भी आ सकती है।
तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, क्यू पी स्टार। तो क्यू क्या है, स्मॉल ए, यानी ये क्या है आपका क्यू पी स्टार, तो ये रिजल्ट हो जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल ए एंड पी इक्वल टू ए प्लस बी और उसका होल स्टार। दैट्स इट।